हूँ नमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे निकला है और मैंने कोई सा भी ब्लॉग शूट नहीं किया है और बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग में चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सा ब्लॉग पहले जाएगा, कौन सा ब्लॉग बाद में जाएगा। तो चलो, मैंने अपने लिए कुछ कुछ मंगाया है। तो जो फर्स्ट मैंने अपने लिए मंगाया है, मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मुझे अभी अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है। तो वेट, मैं नीचे से हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ मेरा एड्रेस और वो सब कुछ है। तो वेरी फर्स्ट टाइम मैंने कैरेट लेन से कुछ गोल्ड शॉपिंग किया है। मतलब मैं बहुत सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, बट वेरी फर्स्ट टाइम मैंने सिल्वर भी कैरेट लेन से ऑर्डर किया हुआ है जो उनका शाया ब्रांड है उससे, पर गोल्ड मैंने वेरी फर्स्ट टाइम होम डिलीवरी में मंगवाया है। तो ये मुझे अभी भी पैकेट रिसीव हुआ, ये वो पैकेट है और जो डिलीवरी डेट उन्होंने मुझे दी थी उससे मुझे वो बहुत पहले ही रिसीव हो गया है और अच्छे से, काफ़ी अच्छे से पैक होके आया है। सील पैक है, डू नॉट कट हियर टू ओपन, और मतलब जैसे महंगे वाले जो पार्सल्स आते हैं उसी टाइप से है। पैकेट काफ़ी अच्छा है, इवन OTP बेस्ड ये पार्सल था, उन्होंने OTP भी लिया, मुझसे साइन भी कराया, तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी है। तो चलो इसको अनबॉक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये वो पूरा पार्सल है, इस साइड से ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे कट का मार्क लगा है। तो चलो मैं इसको कट करती हूँ और ओपन करके देखते हैं ये कैसे आया है। इसका जो पॉली बैग है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मतलब काफ़ी मोटा है, अंदर बबल रैप है और अंदर से निकला है ये क्यूट सा कैरेट लेन का मेटल का एक डिब्बा जो मुझे बहुत पसंद आया एंड बहुत ही खूबसूरत है। और ये पूरा यहाँ पे सील लगी हुई है कैरेट लेन की, आप देखेंगे ये पूरा एक टेप चिपका हुआ है। तो चलो इसको भी अनपैक करते हैं। टड़ा, ये मैंने हटा दिया, अब अंदर देखते हैं कि इसमें से क्या निकला है। ओके, तो सबसे फर्स्ट है इसमें हे यू आर डूइंग गुड, और उन्होंने बस बोला है कि इसको इंस्टाग्राम पे टैग कर दूं। तो ये एक उनका लेटर है कैरेट लेन वालों का, सिंपल सा एक पेपर है। इसके बाद है एक और कैरेट लेन का पेपर है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन यूइंग योर ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें उनकी डिटेल्स दी हुई हैं कि आप ज्वेलरी को कैसे स्टोर करेंगे। एंड इसके बाद है एक और कैरेट लेन का कार्ड है जिसपे है हैप्पी बर्थडे टू मी, क्योंकि मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया हुआ है। ये बहुत क्यूट है, मतलब ना पर्सनलाइज गिफ्ट हमेशा से ना बहुत अच्छे लगते हैं। और ये कुछ इस तरीके के पैकिंग में आया है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है, बॉक्स बहुत सुंदर है। तो अब अपन पीस बाहर निकालते हैं लाइक दिस, बहुत सुंदर है। और ये इसके ऊपर एक पूरी पैकिंग है, तो इसको अनपैक करते हैं। ये मैंने हटा दिया और ये है मेरा गिफ्ट। ओके, तो ये मैंने एक इयररिंग ऑर्डर किए हैं जो बहुत ही खूबसूरत आए हैं और छोटे से क्यूट से हैं, ईयर कफ जैसे हैं। वेट, मैं इनको निकाल के देखती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से, मुझे लगा था थोड़े से बड़े आएंगे पर नहीं है। अभी इसके पीछे दिखाती हूँ, ये है बहुत छोटे से हैं पर बटरफ्लाई सॉर्ट ऑफ कोई डिज़ाइन है पर बहुत क्यूट है। लाइक जैसा कि आपको पता होगा कि कैरेट लेन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जैसा भी आप लोगों ने देखा, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। ये कैरेट लेन का बॉक्स है मेरा और इसमें जो इयररिंग्स आए हैं वो बहुत क्यूट हैं, बहुत छोटे और डेली वेयर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। और मुझे एक्चुअली ऐसी छोटी छोटी ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलो इसको निकालते हैं और इसको पहन के देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, जय श्री राम, भगवान सब अच्छा रखना। तो चलो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ओके, तो मैंने इसको पहन लिया है, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसको ऐसे नीचे करके भी पहन सकते हैं या फिर इसको ऐसे ईयर कफ की डिज़ाइन जो इमेज में बनी हुई थी उसको लाइक दिस ऐसे भी पहन सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी क्यूट हैं, बहुत छोटे से हैं एंड आई थिंक डेली वेयर के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे हैं। और इसमें जो एक सबसे अच्छी बात है कि इसका जो ये पीछे बैक वाला हिस्सा है ये ऐसा फोल्डेड है। तो जनरली क्या हम जो टॉप्स पहनते हैं ना, मुझे उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और जो मैं रूटीन में नहीं पहनती होती हूँ कि जब आप सोते हैं तो उसका जो पीछे का जो
पॉइंट होता है वो कंटिन्यूसली आपको प्रिक होता रहता है यहाँ पे, तो वो बड़ा अनइजी सा लगता है। इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये इतने लाइट वेट हैं कि आपको लगेगा भी नहीं कि आपने इयररिंग्स पहने। और मैं तो हार्डली कभी इयररिंग्स पहनती हूँ, मतलब मैं इतना नहीं पहनती होती हूँ, तो ऑफिस के लिए काफ़ी क्यूट है। इवन छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। पर ये उनके लिए ही अच्छे रहेंगे जिनके जो कान का जो छेद है वो छोटा है। अगर आपका कान का छेद बहुत बड़ा है ना तो शायद इतने अच्छे ना लगें। तो आप देख सकते हैं क्यूट लग रहे हैं, मुझे तो काफ़ी क्यूट है, क्यूट लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी जो पैकिंग और जिस तरीके से ये आए हैं ना, मतलब बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। ये बॉक्स बहुत सुंदर है जिसमें ये रखकर आए हैं। तो ओवरऑल और क्या चाहिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है पर्सनलाइज गिफ्ट कुछ आता है तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। मैंने पहन लिए हैं और आई थिंक मैं इनको पहने रखूँगी, मैं इनको नहीं उतारूँगी। तो चलिए, अगर इन ईयरिंग्स से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें मेरे इस चैनल को। और इनका रिव्यू तो जैसे कि आपको पता है अभी अभी जस्ट मुझे रिसीव हुए हैं, तो मैं रिव्यू तो आपको क्या ही दूँ। फर्स्ट रिव्यू बहुत अच्छा है, देखते हैं कैसा कैसा चलता जाता है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँ, अदरवाइज आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।